हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाली कि जो हमारा इन्फिनिक्स फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स फ़ोन की डायल पैड ऑप्शन पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर्स का हम कैसे सेव कर सकते हैं गूगल अकाउंट पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो हो रहे हैं, जिसमें से आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स आइकन पे। तो सॉरी, गलत ऑप्शन ओपन कर दिया हमने। इसमें से आपको क्लिक कर देना फ़ोन आइकन्स पे। तो हमारा फ़ोन आइकन्स इस तरीके से हमारे फ़ोन में ओपन आएगा, जिसमें जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं गूगल अकाउंट पे। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते जो भी आपका नंबर है उसको टाइप कर देना। इस तरीके से हम नंबर टाइप कर देते हैं। नंबर टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते जो हमारा क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट है ओपन आएगा, तो इसमें जो भी डिवाइस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना, तो मैंने एक बार सेलेक्ट कर लिया अपने गूगल अकाउंट। तो अब इसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स का हम कैसे सेव करें, तो आपको पहले फर्स्ट नेम टाइप कर देना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम हमने टाइप कर दिया है, फिर आपको यहाँ से लास्ट नेम भी टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ से आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है गूगल अकाउंट पर सेव हो जाएगा और हमारे यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ही शो हो रहा है, यहाँ से हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा गूगल अकाउंट भी शो हो जाता है और कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो जाता है। तो इस पानी फ़ोन की डायल पैड ऑप्शन जाकर कॉन्टैक्ट नंबर्स को हम सेव कर सकते हैं गूगल अकाउंट पे। तो आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।